नमस्कार, मैं हूँ विकास ठेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमए फोर्थ सेमेस्टर में पर्यटन टूरिज्म एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री इन टूरिज्म, पर्यटन में ऐतिहासिक अनुप्रयोग इस विषय पर, और इसके एक टॉपिक पर्यटन और पर्यावरण। इस चैप्टर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर्यटन स्थलों पर पर्यावरण विकास के उपाय, क्योंकि अगर हम पर्यटन स्थलों पर जो पर्यावरण विकास करेंगे तो इससे उस पर्यटन स्थल का जो पर्यावरणीय महत्व है वो बढ़ेगा, साथ ही साथ वो थोड़ा सा आकर्षक लगेगा और लोग वहाँ पर जा पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, पर्यटन स्थलों पर सफाई पर्यावरण विकास के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। यहाँ पर चीज़ें कॉमन सेंस की बात है, इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा मैं करूँगा नहीं, क्योंकि पर ये चैप्टर बहुत ही ईजी है और इससे जुड़े दो तीन वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए, किसी भी पर्यटन क्षेत्र में आपको अगर पर्यावरण का महत्व बढ़ाना है तो आपको क्या करना होगा। पहला तो आपको सफाई पर ध्यान देना होगा। किसी भी पर्यटन स्थल पर अगर सफाई नहीं रहती है तो उसकी रेटिंग लो हो जाती है और लोग वहाँ पर जाना पसंद नहीं करते हैं अगर वहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा है तो। दूसरा आता है पर्यटन स्थल से आबादी की दूरी हो, क्योंकि अगर वो आबादी वाला क्षेत्र होगा तो वहाँ पर शोर शराबा होगा और फिर वो पर्यटन स्थल कैसे कहलाएगा। यही कारण है कि जितने भी प्राकृतिक पर्यटन स्थल होते हैं, चाहे वे झरने हों, नदी तालाब हो, या फिर कोई वादियाँ हो, घाटी हो, वे शहरी इलाकों या फिर जो रिहायशी बस्तियाँ होती हैं उनसे काफ़ी दूर होते हैं, क्योंकि इन पर्यटन स्थल जो कि पर्यावरण महत्व के होते हैं, यहाँ पर लोग अपने मन को शांत करने के लिए जाते हैं, अपने किसी दोस्त के साथ में या फिर अपने पार्टनर के साथ में अपने पर्सनल टाइम को बिताने के लिए जाते हैं। अगर वहाँ पर चार लोग खड़े होकर घूर कर देखते रहें या फिर किसी मार्केट के शोर शराबा में कोई व्यक्ति आपसे कहे कि लीजिए साहब, ये आपका पर्यटन है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आने वाला, क्योंकि पर्यावरणीय पर्यटन का जो उद्देश्य होता है वो होता है जो पर्यटक है उसे एक शांत माहौल प्रदान करना। इसीलिए जो पर्यटन स्थल से आबादी की दूरी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नवीन योजनाओं का निर्माण हो, पर्यटन को स्वच्छ रखने के लिए और समय के साथ साथ नए पेड़ लगाने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, सुधार के लिए और पार्कों के विकास के लिए यहाँ पर नवीन योजनाएं समय समय पर पर्यटन विभाग द्वारा, सरकार द्वारा तय की जानी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, सरकार समय समय पर, जैसे हम देखते हैं गंगा मिशन के जरिए गंगा नदी को साफ करके उसके पर्यटन महत्व को बढ़ाया जा रहा है, तो इस तरह से सरकार के प्रयासों से भी इनको बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद में देखिए, एकांत व दूरस्थ स्थल पर पर्यटन विकसित हो, क्योंकि जैसे हमने आपसे कहा कि बहुत सारी ऐसे पर्यटक होते हैं जो अपने आप को एकांत और शांत माहौल में पाना चाहते हैं, तो उनके लिए एकांत व दूरस्थ स्थल पर पर्यटन होना चाहिए। मध्य प्रदेश में सतना के पास चित्रकूट में पर्यटन स्थल पर कामतगिरी की परिक्रमा के अवसर पर यात्री बसें एवं वाहन वहां से कुछ दूर शहर के बाहर ही रोक दी जाती है। पहले वादा की नियमित बस सेवा चित्रकूट धाम तक जाती थी, जो अब नई व्यवस्था में अपने ठहराव पर रुक जाती है। इसके कारण पूरा क्षेत्र शांत बना रहता है। वहाँ धुआं, हल्ला गुल्ला, शोरगुल आदि अनेक प्रदूषण जन्य क्रियाओं का अभाव रहता है। यही कारण है कि पर्यटक वहाँ पर जाने के लिए ललायित होता है और वहाँ जाना उन्हें अच्छा भी लगता है। इसके बाद में देखिए, कृत्रिम व प्राकृतिक पर्यटन दृश्यों का निर्माण। बहुत सारे, जैसे कि मैंने आपको कहा कि पार्क बनाए जा सकते हैं, म्यूजियम बनाया जा सकता है इन स्थलों पर, और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी कलाकृतियाँ बनाई जा सकती है जो तो हो तो कृत्रिम, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लगे कि ये पर्यावरण से ही कनेक्ट है और वे उस क्षेत्र के पर्यावरणीय पर्यटन को और ज़्यादा बढ़ावा देने का काम करें। तो इस तरह से हम देख सकते हैं पर्यटन के नज़दीक बाज़ार होना। यहाँ पर जो पर्यटन के नज़दीक, जैसे कि हम देखते हैं कि होटल होना चाहिए एक पर्यटन के थोड़े से साइड में,
शोरगुल से थोड़ा दूर, और साथ ही साथ एक छोटा सा स्थानीय मार्केट भी होना चाहिए जो कि वहाँ की स्थानीय संस्कृति का नेतृत्व करे और वहाँ की स्थानीय चीज़ें वहाँ पर मिल पाए। साथ ही यहाँ पर पर्यटन स्थलों से उद्योगों की दूरी होनी चाहिए। जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं, कल कारखाने होते हैं, यहाँ पर धुआं शोरगुल ये सभी आम बात होती है, वे सभी पर्यटन स्थलों से दूर होनी चाहिए। क्योंकि पहले ही हम इस बात को कह चुके हैं जो कि बहुत नॉर्मल है कि इन पर्यटन क्षेत्रों पर जहाँ पर पर्यावरण का प्रभाव होता है वहाँ पर लोग शांत वातावरण के लिए जाते हैं। प्रशासन का रचनात्मक सहयोग होना चाहिए क्योंकि प्रशासन जो होते हैं थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि जो प्रदूषण करे या फिर नियम की अवहेलना करे उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही हो ताकि उस क्षेत्र की जो सुंदरता है या फिर सौम्यता है उसे बनाया जा सके। अब देखिए पर्यटन के जो समर्पित एवं निष्ठावान अधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए जो रिश्वत लेकर जंगलों को ना कटवाए, जो किसी वाहन को ऐसे जो बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ रहा उन्हें फ्री में एंट्री ना दे दे पैसे लेकर। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए और उन क्षेत्रों पर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का इस्तेमाल होना चाहिए ताकि वहाँ पर पर्यटन क्षेत्र में प्रदूषण को कम से कम किया जा सके। इसके बाद में देखिए प्रदूषण निवारण में पर्यटन क्षेत्र में उपयोगिता, प्रदूषण निवारण की पर्यटन क्षेत्र में उपयोगिता कि पर्यटन क्षेत्र में प्रदूषण क्यों कम होना चाहिए। देखिए इसके कारण स्वस्थ वातावरण से प्रभावित होकर पर्यटकों की संख्या में वृद्धि लाना स्वाभाविक होगा। पर्यटक की वृद्धि उस क्षेत्र में बेरोजगार लोगों को अनेक प्रकार से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नौकरियां प्राप्त करवाएंगी, साथ ही वे आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे और उनका शारीरिक विकास भी बहुत बेहतर होगा क्योंकि वे पर्यटन से दूर होंगे। उनमें गंदगी का स्तर कम होने से स्वच्छता बढ़ेगी और बीमारियां जैसे मलेरिया हो गया, जो आम बात है, जो मच्छरों से जुड़ी बीमारियां, मक्खियों से जुड़ी बीमारियां जो गंदगी की वजह से होती है वे कम हो जाएंगी। विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी जिसके कारण विदेशी मुद्रा आएगी, मांग बढ़ने के कारण उत्पादन बढ़ेगा और वहाँ पर क्षेत्रीय स्थानीय मार्केट का विकास होगा और सामाजिक स्तर उस क्षेत्र का बढ़ेगा और उन क्षेत्रों के लोगों के साथ विदेशी लोग अपना संबंध जोड़ना चाहेंगे, यानी कि उनसे बातचीत करना चाहेंगे क्योंकि उनका सामाजिक और व्यवहारिक स्तर बढ़ चुका होगा। साथ ही परस्पर लोगों का संतुलित विकास होगा और न केवल हाई क्लास बल्कि उस क्षेत्र में मिडिल क्लास लोगों की संख्या बढ़ेगी क्योंकि सभी का सामरिक रूप से विकास होगा। उस क्षेत्र में प्रशासन की मुस्तैद होने के कारण अपराधों में कमी आएगी और अपराधों से मिलने वाली सजा में तीव्रता आएगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या क्या देखा है, तो हमने यहाँ पर देखा है पर्यटन स्थलों पर पर्यावरण विकास के उपाय, यह हमने देखा। साथ ही हमने यहाँ पर प्रदूषण निवारण अगर हम करते हैं तो पर्यटन क्षेत्र या फिर पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों को क्या क्या फ़ायदा होगा यह भी हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया है। तो ये था हमारा वीडियो। हालांकि इससे प्रश्न बनने की संभावनाएं थोड़ी बहुत हैं, लेकिन अगर फिर भी पूछ लिया जाता है कि पर्यटन क्षेत्र में पर्यावरण का महत्व बताइए या फिर उपयोगिता बताइए, प्रदूषण निवारण के बाद जो पर्यटन में उस क्षेत्र में प्रभाव होगा इसे समझाइए, तो आप इस वीडियो के जरिए अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, यहाँ पर अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी आर्थर एस कहते हैं, जहाँ है वहाँ से शुरू करें, जो भी है उसका इस्तेमाल करें, आप क्या कर सकते हैं करें। आर्थर एस कहते हैं उनके अनुसार सफलता या फिर किसी भी काम की शुरुआत कभी भी भविष्य से नहीं होती है, कभी भी उसकी शुरुआत वर्तमान से होती है। आप कुछ करना चाहते हैं तो आज से करिए, कल को मत देखिए। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो कहते हैं कि हम आगे जाकर ये करेंगे, अगर मुझे ये नौकरी मिल गई तो मैं समाज में ये करवाऊँगा वो करवाऊँगा, अगर मैं सिविल सर्वेंट बन गया तो मैं बच्चों की शिक्षा के लिए ध्यान दूंगा, ये करूँगा वो करूँगा फलाना फलाना। लेकिन वर्तमान में उनसे पूछो कि तुम अभी समाज के लिए क्या कर रहे हो, तो वो कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत आपको आज से करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए एक बंदा होता है जो कहता है कि मैं
अपनी ज़िंदगी में खूब घूमना चाहता हूँ, खूब इन्जॉय करना चाहता हूँ, मैं गोवा जाना चाहता हूँ, लेकिन उसके पास में इतने पैसे नहीं हैं और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत मायूसी के साथ में और मनहूसियत के साथ में जी रहा है। लेकिन उसके पास में 100 रुपये तो होंगे जिससे वो अपने शहर के किसी भी टॉकीज में जाकर अच्छी सी मूवी देख सकता है और इन्जॉय कर सकता है। उसके पास में कभी ना कभी 500 या 1000 रुपये तो आएंगे जिससे वो अपने शहर के किसी अच्छे से पर्यटन स्थल या किसी से अच्छे से झरने या मंदिर में जाकर अपने मन को सुकून दे सकता है। बात यह है कि आपके सपने अगर बड़े हों तो शुरुआत आज से कीजिए, छोटे रूप में कीजिए। सपना बड़ा कब पूरा होगा ये जाने दीजिए, उसका छोटा हिस्सा आज पूरा हो रहा है, इस बात का ख्याल रखिए और इस बात से खुश रहिए। यहाँ पर एस की बात बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि जहाँ है वहीं से शुरू कीजिए और जो आप कर सकते हैं वो करिए, क्योंकि आपके ये छोटे छोटे प्रयास एक दिन आपको बहुत बड़ा बना देंगे। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।